हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है अबाउट को डोमिनेंस। मैंने मेरे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड उससे पहले जो वीडियो मैंने पोस्ट किया था उसमें मैंने डिस्कस किया था अबाउट मल्टीपल एलिलिज्म। तो ये जो प्रोसेस, ये जो फेनोमेनन जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो क्या है, डेविएशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल है। मीन्स व्हाट, मेंडेल ने जो लॉ पोस्टुलेट किए थे तो उनके एक्सपेरिमेंट के बाद क्या हुआ, उनके जो लॉ जो है, उन्होंने जो लॉ प्रोवाइड किए थे उसके कुछ ऑब्जेक्शंस देखने को मिले। तो ऑब्जेक्शंस किसके थ्रू मिले, ये जो फेनोमेनन हम डिस्कस कर रहे हैं इसके थ्रू क्या हुआ, उस लॉ का ऑब्जेक्शंस देखने को मिला। सो आज का जो ऑब्जेक्शन है, मीन्स व्हाट, आज का जो डेविएशन ऑफ मेंडेलियन प्रिंसिपल जो हम अभी डिस्कस करेंगे वो है अबाउट को डोमिनेंस। इससे पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगने पर इसे लाइक करना ना भूले। तो आज का जो टॉपिक यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो है को डोमिनेंस। को डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, मेंडेल ने जो अपना लॉ दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें उन्होंने क्या बोला था, व्हेनेवर वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में क्रॉसिंग होगा तो क्या होगा, जो F1 जनरेटेड प्लांट्स जो होंगे उनमें क्या होगा, एक कैरेक्टर हमेशा डोमिनेंट होगा जो कि अपना कैरेक्टर वो एक्सप्रेस करेगा, एंड एक एलीली जो होगा वो क्या होगा, अपना कैरेक्टर वो एक्सप्रेस नहीं करेगा F1 जनरेशन में जो कि रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट होगा, तो उसे हम बोलेंगे रिसेसिव एलीली। मीन्स व्हाट, जो F1 जनरेशन में जो हेटेरोजाइगस टाइप ऑफ प्लांट जो प्रोड्यूस हो रहे थे उनमें से क्या हो रहा था, एक एलीली डोमिनेंट था और एक एलीली क्या था वहां पे, रिसेसिव था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में जो कि मेंडेल ने प्रोवाइड किया था। लेकिन फर्दर जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स देखने को मिले उनमें क्या होगा, कुछ केसेस ऐसे पाए गए जिसमें कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाला रिलेशनशिप नहीं था इन बिटवीन द टू एलीलीज। वहां पे क्या हुआ, ये जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलीली है वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव ना होके वो क्या हो गए, वहां पे इक्वली अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करने लगे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या डिस्कस किया था कि वहां पे क्या हो रहा था, डोमिनेंट एंड रिसेसिव अपना एक कैरेक्टर एक्सप्रेस ना करके वो क्या कर रहे थे, टुगेदर जब वो प्रेजेंट हो रहे थे तो वो एक नया टाइप ऑफ कैरेक्टर वहां पे वो एक्सप्रेस कर रहे थे। लेकिन को डोमिनेंस में क्या होगा, जो डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलीली जब वो दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे तो ना तो वो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा, ना वो रिसेसिव वाला होगा, तो ना ही वो कोई फर्दर कोई नया कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, वो दोनों एलीलीज जो है वो बोथ इक्वली क्या करेंगे, अपना कैरेक्टर वो एक्सप्रेस करेंगे। मीन्स व्हाट, यहाँ पे वो डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाला रिलेशनशिप नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, दोनों अपना 50-50% क्या करेंगे, कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे। तो वो दोनों एलीली आपस में क्या हो जाएंगे, को डोमिनेंट टू ईच अदर। मीन्स व्हाट, ये दोनों एलीलीज के बीच में डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाला रिलेशनशिप नहीं होगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, को डोमिनेंट टू ईच अदर हो जाएंगे। मीन्स व्हाट, दोनों क्या करेंगे, अपना कैरेक्टर 50-50% वो लोग एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, बोथ द एलीलीज ऑफिसिन एक्सप्रेस देमसेल्व्स इक्वली जब भी वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होंगे। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है अगेन एबीओ ब्लड ग्रुप, और एक अदर एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का जो कि है MN ब्लड ग्रुप। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला था जो एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग है वो डिस्कवर किया था कार्ल लैंड स्किनर ने, जो कि एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में उन्होंने आइडिया दिया था, एंड जो हमारा जो एबी ब्लड ग्रुप है उसके बारे में जिस साइंटिस्ट ने बोला था वो है डी कैस्ट्रो एंड स्टेनी। तो ये जो एबीओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग है ये क्या है, एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। तो हम देखेंगे ये कैसे इस को डोमिनेंस के रिलेशनशिप को ओबे करता है। सो एज यू ऑल नो, एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो कैसे डिटरमाइन होता है, मैंने मेरे पिछले वीडियो में बोला था कि RBC जो होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो होते हैं, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, वन टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है, और उस ग्लाइकोप्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन, जो कि क्या करता है, ब्लड ग्रुपिंग डिटर्मिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस ग्लाइकोप्रोटीन को हम बोलते हैं एंटीजन, और आइसो एग्लूटिनोजन और एक ग्लूटिनोजन। सो आइसो एग्लूटिनेजन का आई, तो ये जो आई जीन है दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ दैट एंटीजन, और एंटीजन क्या करता है, ब्लड ग्रुपिंग को वहां पे वो डिटरमाइन करता है। तो आई जीन जो होता है वो क्या होता है, नॉर्मली
तीन एरेलीज को लेके वो प्रेजेंट होता है. मीन्स व्हाट, आईज इनका क्या होता है, थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरेलिक फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है. तो वो तीनों क्या क्या होते हैं, फर्स्ट वन इज आई ए टाइप, सेकेंड इज आई बी टाइप एंड थर्ड वन इज आई ओ टाइप. तो ये जो आई ए जो है दैट इज डोमिनेंट इन नेचर. मीन्स व्हाट, ये वेदर होमोजाइगस कंडीशन में हो या फिर हेटरोजाइगस कंडीशन में हो, आई ए क्या करेगा, अपना कैरेक्टर ये एक्सप्रेस करेगा. दैट्स व्हाई आई ए एलील इज नोन एज डोमिनेंट इन नेचर. देन सिमिलरली आई बी जो है दैट इज ऑल्सो डोमिनेंट इन नेचर. मीन्स व्हाट, आई बी एलील भी क्या होगा, वेदर वो होमोजाइगस कंडीशन में हो या फिर वो हेटरोजाइगस कंडीशन में हो, वो क्या करेगा, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा. दैट्स व्हाई आई बी एलील इज ऑल्सो डोमिनेंट इन नेचर. लेकिन जो थर्ड टाइप ऑफ एलील है दैट इज द आई ओ टाइप ऑफ एलील, जो कि क्या है, रिसेसिव इन नेचर है. मीन्स व्हाट, ये अगर होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा तभी क्या करेगा, ये अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा. और अगर ये हेटरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, मीन्स व्हाट, अगर आई ओ एल डी आई ए या आई बी के साथ अगर वो हेटरोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो वहां पे वो क्या करेगा, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा एंड वहां पे वो क्या हो जाएगा, रिसेसिव इन नेचर हो जाएगा. लेकिन अगर आई ओ एल ई जो है वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा, मीन्स व्हाट, अगर वो आई ओ होके प्रेजेंट है तो वहां पे वो क्या करेगा, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा. लेकिन अगर आई ओ आई ए के साथ प्रेजेंट होगा या फिर वो आई बी के साथ प्रेजेंट होगा, तो इन दोनों केसेस में क्या हो जाएगा, वो रिसेसिव इन नेचर हो जाएगा एंड वो अपना कैरेक्टर वहां पे एक्सप्रेस नहीं करेगा. लेकिन ये आई ए एंड आई बी वेदर ये होमोजाइगस हो या फिर वो हेटरोजाइगस कंडीशन में हो, मीन्स व्हाट, आई ए आई बी. सो अगर ये दोनों एलील होमोजाइगस हो या फिर हेटरोजाइगस हो, ये दोनों क्या करेंगे, अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे. लेकिन आई ओ जो है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगा. सो आई ए एलील क्या करता है, ए एंटीजन प्रोड्यूस करता है. मीन्स व्हाट, आई ए एलील इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन ए. आई बी एलील इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीजन बी. एंड आई ओ एलील जो है वो क्या करता है, एक भी एंटीजन वो प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि वो रिसेसिव इन नेचर है. तो ए एंटीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप ए, बी एंटीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप बी. एंड जस्ट बिकॉज आई ओ एलील कोई भी एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता, तो वो क्या करेगा, जो ब्लड ग्रुप यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा वो है ओ. अगर वो सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा तो, और अगर वो हेटरोजाइगस हो गया तो वो क्या होगा, एदर वो ए ब्लड ग्रुप होगा या फिर वो बी ब्लड ग्रुप होगा. क्योंकि आई ओ आई ए में जो डोमिनेंट जो है दैट इज आई ए, तो ये अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस करके ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा. एंड अगर वो आई ओ आई बी के साथ प्रेजेंट होगा तो आई बी डोमिनेंट होने की वजह से वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर देगा और आई ओ वहां पे रिसेसिव हो जाएगा. लेकिन जो को डोमिनेंस वाला जो हम यहाँ पे भी डिस्कशन करेंगे वो ये है कि आई ए एंड आई बी जो है वो दोनों क्या है, इंडिपेंडेंटली डोमिनेंट इन नेचर. लेकिन जब ये दोनों क्या होंगे, साथ में प्रेजेंट होंगे, मीन्स व्हाट, जब ये, तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, आपस में डोमिनेंट एंड रिसेसिव वाला रिलेशनशिप फॉलो ना करके ये दोनों क्या करेंगे, 50-50% अपना कैरेक्टर एक्सप्रेशन दिखाएंगे, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप यहाँ पे हो जाएगा ए बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप. मीन्स व्हाट, आई ए जो है वो भी डोमिनेंट इन नेचर है, आई बी जो है वो भी डोमिनेंट इन नेचर है. सो दोनों डोमिनेंट होने की वजह से दोनों अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस दिखाएंगे, वहां पे 50-50% उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप जो यहाँ पे ये प्रोड्यूस करेंगे वो है ए बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप. मीन्स व्हाट, ये दोनों एलील्स क्या होंगे, आपस में को डोमिनेंट टू इच अदर हो जाएंगे. यहाँ पे दोनों एलील में कोई भी डोमिनेंट या रिसेसिव वाला रिलेशनशिप नहीं देखा जाएगा. सो आई ए एंड आई बी, आई ए क्या करेगा, ए टाइप ऑफ एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, आई बी क्या करेगा, बी टाइप ऑफ एंटीजन प्रोड्यूस करेगा. दैट्स व्हाई ए बी ब्लड ग्रुप के केस में क्या होता है, दोनों बोथ ए एंड बी टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होता है. तो ये एग्जाम्पल है को डोमिनेंस का. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रेशियो ऑफ
कोडोमिनेंस रेशियो मीन्स व्हाट, बोथ फिनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो आर कोडोमिनेंस मीन्स व्हाट, इंडिविजुअल्स हैविंग दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप वो क्या करेंगे अपना फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो किस वे में कोडोमिनेंस अपना एक्सप्रेस करेगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस जहां पे बोथ फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो क्या थे प्लांट्स के 1:2:1। सिमिलरली हम देखेंगे इनकेस ऑफ कोडोमिनेंस दोनों रेशियो क्या होंगे। सो यहाँ पे हम दो इंडिविजुअल्स लेंगे जिनमें से एक का जीनोटाइप है IA, दैट मीन्स व्हाट, वो क्या करेगा ए टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस करेगा। सो इंडिविजुअल हैविंग ए टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप एंड दूसरा जो इंडिविजुअल हम यहाँ पे लेंगे वो है IB मीन्स व्हाट, वो क्या करेगा बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप को प्रोड्यूस करेगा। दैट मीन्स हम टू इंडिविजुअल्स लेंगे जिनका ब्लड ग्रुप क्या होगा A and B एंड आपस में हम क्या करेंगे उनका जब क्रॉसिंग करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जीनोटाइप है IA, तो जब यहाँ पे क्या होगा गैमेट फॉर्मेशन होगा, जो दो गैमेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे तो उनके किस में एलीली क्या हो जाएगा IA मीन्स व्हाट, ये दोनों एलीलीज क्या है सिमिलर टाइप ऑफ एलीलीज है मीन्स व्हाट, सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। सिमिलरली जब IB के केस में गैमेट फॉर्मेशन होगा तो वहां पे जो दो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे हैविंग द एलीलीज क्या होगा वहां पे IB, ये दोनों गैमेट्स भी क्या होंगे आपस में सिमिलर होंगे। तो जब ये गैमेटिक फ्यूजन होगा ड्यूरिंग देयर फर्टिलाइजेशन और वी कैन से ड्यूरिंग देयर क्रॉसिंग, तो यहाँ पे क्या होगा ये दोनों एलीलीज आपस में फ्यूज होके और दोनों गैमेट्स हम बोल सकते हैं आपस में फ्यूज होके वो यहाँ पे इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे जिसका जीनोटाइप हो जाएगा IA IB, जो कि क्या है हेटरोजाइगस कंडीशन है और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका फर्स्ट जनरेशन इंडिविजुअल्स हो जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ द कोडोमिनेंस नेचर क्या होगा ये IA and IB जो दोनों है वो साथ में प्रेजेंट होने से क्या करेंगे 50-50% अपना कैरेक्टर एक्सप्रेशन दिखाएंगे। दैट्स व्हाई यहाँ पे इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा AB मीन्स ये दोनों एलीलीज क्या करेंगे अपना अपना 50-50% कैरेक्टर एक्सप्रेस करेंगे जिसकी वजह से इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। सो हमने देखा जब IA, IA and IB हैविंग जीनोटाइप जो दो इंडिविजुअल्स हैं उनके बीच जब क्रॉसिंग हो रहा है तो F1 जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स हमें देखने को मिले उनका जीनोटाइप क्या था IA IB, तो वो क्या थे F1 जनरेशन वाले इंडिविजुअल्स थे। तो अभी क्या करेंगे हम एक ऐसा एग्जांपल लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे तो हेटरोजाइगस इंडिविजुअल्स मीन्स व्हाट हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलील्स जो मतलब प्रेजेंट होगा इंडिविजुअल्स के बीच में, वैसे इंडिविजुअल्स के बीच में जब हम क्रॉसिंग कराएंगे मीन्स व्हाट जो हमने F1 जनरेशन में ऑब्जर्व किया था AB टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप जो थे इंडिविजुअल्स के, यानी हम फर्स्ट जनरेशन इंडिविजुअल्स बोल रहे थे, उनके बीच में जब हम क्रॉसिंग करेंगे तो वहां पे क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो इंडिविजुअल्स मैंने लिए हैं जिनका जीनोटाइप क्या है IA IB IA IB, तो ड्यूरिंग क्या होगा यहाँ पे गैमेट्स फॉर्मेशन ये दोनों एलील्स आपस में सेपरेट होके ये क्या करेंगे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे जो कि क्या है फर्स्ट जो है दैट इज IA एंड सेकेंड जो है दैट इज IB। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा जब गैमेट फॉर्मेशन होंगे तो वो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे, फर्स्ट जो है दैट इज IA टाइप ऑफ गैमेट एंड सेकेंड जो है दैट इज IB टाइप ऑफ गैमेट। सो यहाँ पे अभी क्या होगा गैमेटिक फ्यूजन होगा ड्यूरिंग देयर क्रॉसिंग होगा, क्रॉसिंग मीन्स ड्यूरिंग देयर मीटिंग। तो यहाँ पे क्या होगा ये IA के साथ फ्यूज होके ये प्रोड्यूस करेगा IA IB के साथ फ्यूज होके ये प्रोड्यूस करेगा IA IB। सिमिलरली IB IA के साथ फ्यूज होके ये यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा IB IA, जिसे हम IA IB भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। IB IB के साथ फ्यूज होके ये प्रोड्यूस करेगा IB IB। तो यहाँ पे क्या होगा अगेन हमें F2 जेनरेशन में 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे हैविंग द जीनोटाइप IA IA। IB IB वाले यहाँ पे कितने इंडिविजुअल्स होंगे 1 2 मीन्स दो, और हमारा जो IB IB वाला इंडिविजुअल है वो है यहाँ पे 1। सो IA IA मीन्स यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा A, IB IB मीन्स यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा B एंड IA IB मीन्स यहाँ पे ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB एंड AB। मीन्स व्हाट ए टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप मिला कितना
वन, ए बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप यहाँ पे हमें कितने मिले, टू, और हमारा बी वाला टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप यहाँ पे कितना मिला, वन। सो यहाँ पे जो है हमारा जो रेशियो हो जाएगा क्या, वन इज टू टू इज टू वन। सो द जीनोटिपिक रेशियो इन केस ऑफ कोडोमिनेंस इज वन इज टू टू इज टू वन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है कि व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ कोडोमिनेंस। सो द आंसर विल बी वन इज टू टू इज टू वन। अगर आपको ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई करूंगी कि मैं आपके उस डाउट को क्लियर कर सकूं। थैंक यू।